इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री एक वॉयलेंट, ट्रेजेटिक और सस्पेंस से भरी है। ये हमारी समझ से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और थ्रिलिंग है। हालांकि आज हम जिस इतिहास पर नज़र डालेंगे वो एक लंबे समय से लोगों को नहीं पता था। आइए हम आपको इस जगह की सबसे बड़ी शक्ति अहोम साम्राज्य का परिचय दें, जो भारतीय इतिहास में आकर्षण का स्थान रखता है। ये कहानी है माइग्रेशन और डायनेस्टिक एम्बिशन की, जिसने एक असाधारण समय पे वीरता का परिचय दिया। कई चुनौतियों के बावजूद अहोम साम्राज्य ने लगभग 6 सेंचुरीज तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शासन किया। मुगल्स के आगे कभी घुटने नहीं टेके और अपनी एक परमानेंट विरासत छोड़ी, जिसके अंश हम आज भी देखते हैं। तो आइए मेरे साथ सुनते हैं उनकी एक असाधारण कहानी। ये कहानी शुरू होती है मेडिवल एरा में, लेकिन अभी भारत से कुछ दूर। आइए हम चलते हैं इंडिया के ईस्ट यूनान प्रोविंस में, जहां 13 सेंचुरी में थाई एथनिसिटी के लोग रहते थे। ये ही बाद में ट्रांसफॉर्म हुए अहोम्स में। यूनान प्रोविंस एक आइडल ट्रेड रूट के बीचों बीच लोकेटेड था, जहां से इंडिया, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, इन सभी का लैंड ट्रेड होता था। 13 सेंचुरी में अहोम्स का पेरेंट किंगडम, जिसे वांगमाओ भी कहा जाता है, बहुत फल फूल रहा था एंड इनका इंडिया, बर्मा और थाईलैंड जैसे प्रोविंसेस से अच्छा ट्रेड कनेक्शन था। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जल्द ही आने वाले थे। लेटर 13 सेंचुरी में मंगोल एम्पायर ने इस रूट के ट्रेड को डिसरप्ट कर दिया, जिससे पॉलिटिकल लैंडस्केप भी डिस्टेबलाइज हो गया। 13 सेंचुरी के बीच में हम मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, जिनका नाम है सुकपा, जो एक क्राउन प्रिंस हैं, यानी कि नेक्स्ट राजा। लेकिन अचानक से वांगमाओ की गद्दी के हकदार नहीं रहते। दरअसल किंग पाओव्यूपंग, जिनका अपना कोई बेटा नहीं था, उन्होंने अपने भतीजे सुकपा को होने वाला राजा घोषित कर दिया। लेकिन राजा की मौत से कुछ ही सालों पहले उनका अपना एक बेटा हो जाता है, जिसकी वजह से सुकपा लाइन ऑफ सक्सेशन से बाहर हो जाते हैं। सुकपा को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन सुकपा राजा के इस डिसीजन को चैलेंज नहीं करते, क्योंकि शायद वो अपनी ग्रैंड मदर से इन्फ्लुएंस थे, जिन्होंने उनसे कहा था कि जिस तरह एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, वैसे ही 2 राजा एक थ्रोन में नहीं बैठ सकते। फिर सुकपा सोचते हैं कि अगर उनको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो वो अपने बलबूते पे ही करना होगा, और इसके लिए उनको अपना एक अलग से किंगडम एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सुकपा को उसी समय पता चलता है कि एक प्रोमिनेंट किंगडम कामरूप, जो ब्रह्मपुत्र वैली में राज किया करता था, वो बहुत अनस्टेबल हो गया है और किसी भी समय टूट के बिखर सकता है। सुकपा ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वैली एक बहुत ही फर्टाइल लैंड भी थी और एक ट्रेड रूट के बीचों बीच। लेकिन सुकपा अकेले नहीं जा सकते थे, उनको लोग चाहिए थे, ऐसे लोग जिनकी सोच उनसे मिलती हो, जो उनकी तरह ही एम्बिशियस हों। सुकपा ने जल्द ही 5 रूलर्स को मनाया, जिनके साथ सैकड़ों वॉरियर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट और ऑफकोर्स लेबर्स आए, जिनकी संख्या टोटल 9,000 के आसपास थी। साल 1215 में उन्होंने अपनी एक लंबी और अनिश्चित यात्रा शुरू करी, जो उन्हें या तो बर्मा के जंगलों में एक गुमशुदा मौत दे सकती थी या भारत के इतिहास में जगह। अहोम्स ने इस यात्रा के लिए डिप्लोमेसी का यूज़ किया। हालांकि कुछ जगह क्रॉस करने के लिए उन्हें आदिवासी ट्राइब्स से छोटी वॉर्स भी लड़नी पड़ी। मिलिट्री विक्ट्रीज और डिप्लोमेसी की वजह से उन्होंने पूरे 13 साल में इंडिया तक का लंबा सफ़र पूरा किया, जिसमें उन्होंने बीच बीच में अपने वैसाल स्टेट्स भी बनाए, जिससे उनको ज़रूरत में यूनान तक वापसी का रूट मिल सके। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते साल 1228 में वो ओटकाई माउंटेन्स को क्रॉस करते हैं एंड ब्रह्मपुत्र वैली में एंटर करते हैं, जो कि आज के आसाम स्टेट का हिस्सा है। इतने सालों के कठिन सफ़र के बाद जब सुकपा ने
ब्रह्मपुत्र वैली को देखा तो जैसा उन्होंने इमेजिन किया था बिल्कुल वैसा ही पाया। एक फर्टाइल वैली जो माउंटेन से नेचुरली प्रोटेक्टेड थी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहां बहुत टाइप्स की क्रॉप्स उगाई जा सकती थी, लेकिन बस एक दिक्कत थी, यहां लोकल ट्राइब्स की एक अच्छी खासी प्रेजेंस थी जो अहोम्स को पोटेंशियल थ्रेट मान रहे थे। ब्रह्मपुत्र वैली की ट्राइब्स के बीच कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। इन ट्राइब्स के कुछ रूलर्स पुराने कामरूप किंगडम से ही अलग हुए थे। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए सुकपा ने जल्द ही अपने आप को एक मार्शी फॉरेस्ट लैंड के बीच इस्टेब्लिश कर लिया, जहां से उनको एक डिफेंसिव पोजीशन मिल सके। उनके चारों तरफ दम्यासा, शुतिया और कछारी जैसी हॉस्टाइल ट्राइब्स थी, लेकिन अहोम्स ने एक बार फिर से डिप्लोमेसी से कुछ ट्राइब से मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना लिए, जिसमें बराही और मारन ट्राइब शामिल थी। जल्द ही इन ट्राइब से उनकी पॉपुलेशन का इंटरमिंगलिंग भी शुरू हो गया। आने वाले 30 सालों तक अहोम्स पूरी वैली में घूमते रहे और फॉरेस्ट एंड मार्शी लैंड्स ट्रांसफॉर्म किया जहाँ राइस कल्टिवेशन किया जा सके, और साल 1253 में चराइदेव में उन्होंने अपनी फर्स्ट कैपिटल एस्टेब्लिश की। अहोम्स के एम्पायर की बाउंड्रीज धीरे धीरे शेप लेने लग गई थी, लेकिन बहुत सी नागा ट्राइब्स अहोम्स के राज्य को मानने से इनकार कर रही थी। उनकी नज़र में एक फॉरेन ट्राइब उनकी लैंड में कैसे रह सकते थे? अहोम्स और नागास के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल था। ये कॉन्फ्लिक्ट्स छोटे स्कर्मिशेस से लेकर बड़े वॉर्स तक पूरे 200 सालों तक चला। ये वो टाइम था जब कभी नागास कुछ टेरिटरी जीत जाते तो कभी अहोम्स। जहाँ नागास की पॉपुलेशन ज़्यादा थी एंड उनको हिली जंगल टेरेन की अच्छी नॉलेज, वहीं दूसरी तरफ अहोम्स के पास बेटर मिलिट्री टैक्टिक्स और मॉडर्न वेपन्स थे। सुकप्पा ने जिन ट्राइब्स से अलाइंसेस बनाए थे वो भी बहुत काम आए, जहाँ से उन्हें एसेंशियल सपोर्ट और रिसोर्सेज मिले। अहोम्स के डोमिनेशन का एक मेन रीज़न है उनके पास वॉर एलिफेंट्स थे, जिन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन करके रखा हुआ था, जबकि नागास के पास इन एलिफेंट्स से लड़ने की कोई भी तैयारी नहीं थी। जैसे टाइम बीतता गया, अहोम्स ने नागास को आउट मैनेवर कर दिया एंड अब वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने में लग गए। अहोम्स शुरू में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आए तब उनका स्वागत बड़े ही हॉस्टाइल तरीके से हुआ। ना यहाँ की टेरेन उनसे परिचित थी और ना ही यहाँ के लोग। अपनी स्थिति को मजबूत करने और अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, जिसका नाम उन्होंने दिया अहोमाइजेशन। अहोमाइजेशन में राजनीतिक गठजोड़, इंटरमैरिजेस और सोशो कल्चरल एक्सचेंज से लोकल पॉपुलेशन को अपने अंदर मिलाना शामिल था। समय के साथ बाराही, महारन और यहाँ तक कि कुछ नागा ट्राइब्स को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया जा चुका था। अहोमाइजेशन बहुत प्रभावी साबित हुआ क्योंकि अहोम साम्राज्य में मिलने के बहुत फ़ायदे मिलते थे। ट्राइबल लीडर्स को हाई रैंकिंग पोजीशंस दी गई और लोकल किंगशिप को भी अहोम नोबल्स के जितना पावर और रिस्पेक्ट दी गई। अहोम्स ने बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट की जिससे उनकी लाइफ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई, जिसमें मेनली था वेट राइस कल्टिवेशन। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सच में अहोम्स के लिए एक वरदान से कम नहीं था, और वक्त के साथ साथ अहोम्स के साम्राज्य 16 सेंचुरी तक पूरे ब्रह्मपुत्र वैली में बड़े अच्छे से फैल गया। साल 1523 में अहोम्स ने सूतिया किंगडम को अपने अंदर मिला लिया, जिससे हज़ारों हिंदूज उनके साम्राज्य का हिस्सा बन गए। अब अहोम्स अपने ही किंगडम में एक माइनॉरिटी बन गए थे, और अब अहोमाइजेशन इम्प्रैक्टिकल हो गया था कि कैसे एक माइनॉरिटी अपनी रीत रिवाज को मेजॉरिटी पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट कर सके। इसके बावजूद अहोम्स एक रिवर्स प्रोसेस का हिस्सा बन गए, जिससे वो इंडियन कल्चर को अपनाने लग गए। इसी वजह से उनके रिलीजन और लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा असर पड़ा। दरअसल शुरुआत में अहोम्स अपना एक रिलीजन प्रैक्टिस करते थे जिसका नाम था पारलूम।
जिसमें वो एंसेस्ट्रल वर्शिप और स्पिरिट फेथ को मानते थे। हालांकि उनके रिलीजन में कुछ एलिमेंट्स बुद्धिज़्म के भी थे, बट मेजॉरिटी बिलीफ थाई कल्चर में बेस्ड था। बट 16 सेंचुरी के डेमोग्राफिक चेंजेस ने उनको अपना रिलीजियस एस्पेक्ट बदलने पे मजबूर कर दिया। हिंदुइज्म पूरे किंगडम को डोमिनेट करने लग गया और 17 सेंचुरी में अहोम्स ने हिंदुइज्म को अपना स्टेट रिलीजन तक घोषित कर दिया, जिसमें उनके पुराने रिलीजन पारदूम की कुछ रीत रिवाज भी अडॉप्ट करी गई। इसी के साथ साथ एक बड़ा चेंज आया लैंग्वेज में, जहां उन्होंने असमीज लैंग्वेज को कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और साथ ही वो अपने राजाओं को एक हिंदी नाम भी देने लग गए, जैसे कि किंग सुसुंगपा को नाम दिया गया प्रताप सिंह। इस नए कल्चरल और रिलीजियस इंटरमिंगलिंग से अहोम सब पूरी तरह से इंडियनाइज हो गए थे। उन्होंने अपने आप को इस रीजन में ऐसे ढाल लिया कि जैसे वो हजारों सालों से यहीं रहते आए हों। अहोम्स ने बहुत से फोर्टिफाइड गैरिसंस, टेंपल्स, सिटीज और मोनेस्ट्रीज को बिल्ड किया। ये स्ट्रक्चर्स मेनली ब्रिक्स और स्टोन से बनाए गए। इसी के साथ इसमें डेकोरेटिव कार्विंग्स बनाई गई। इन्होंने छोटे डैम्स और रिजर्वॉयर्स बनाए, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कई गुना इंक्रीज हो गई। साथ ही अहोम्स ने रोड्स और ब्रिजेस का एक नेटवर्क बनाया जो पूरे आसाम को कनेक्ट करता था, जिससे ट्रेड, कॉमर्स और माइग्रेशन को बहुत सुविधा मिली। पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए अहोम्स ने पत्रा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो हर 5 नोबल हाउसेस से एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते, जो अहोम्स के लिए एक ऑफिसर की तरह सर्व करता। ये ऑफिसर्स को अलग अलग रोल्स असाइन किए जाते, जैसे कि रीजनल गवर्नेंस, मिलिट्री ऑपरेशंस और यहाँ तक के किंग का एडवाइज़र भी। समय के साथ इन ऑफिसर्स को एक मंत्री परिषद में कंबाइन किया गया, जिसे पत्र मंत्र के रूप में जाना जाता था, जिसमें से एक ऑफिसर को राजमंत्री या प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया जाता, जिसके पास एडिशनल पावर होती। इस पत्र सिस्टम से अहोम्स को गवर्नेंस में बहुत क्रूशियल हेल्प मिली, जैसे कि किसी एक फ्रैक्शन या ऑफिसर को ज़रूरत से ज़्यादा पावर नहीं दी गई और नोबल हाउसेस के बीच पावर का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आने के 350 सालों के बाद अहोम्स ने अपना एम्पायर एक रीजनल पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, लेकिन इसी बीच उनकी बढ़ती हुई वेल्थ और स्टेचर को देखते हुए मुग़ल एम्पायर की नज़र उन पर पड़ी। मुगल्स वैसे ही अपना एक्सपेंशन साउथ इंडिया में कर रहे थे और उनको नॉर्थ ईस्ट में भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी। हालांकि अहोम्स बिना लड़ाई के सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ बियॉन्ड वाइज। जॉइन अस नेक्स्ट टाइम, जहां हम अहोम्स और मुगल्स के बीच का टसल देखेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक छोटी आरपी होने के बावजूद भी अहोम्स ने मुगल्स को कभी नॉर्थ ईस्ट जीतने नहीं दिया। आई होप यू एंजॉयड इट एंड लर्न समथिंग न्यू। इफ़ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे अपडेटेड ऑन आवर लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बियॉन्ड वॉइस। आई एम योर होस्ट शिविन खत्रे, वेर वी डेल्व इन टू हिस्ट्री टू फाइंड आउट हाउ इट हैज एंड विल शेप आवर फ्यूचर। सी यू नेक्स्ट टाइम।